हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरस्तन वन। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि टिकटॉक ने रिमूव किए 60 लाख से ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियोस। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो गाइस, छोटी म्यूजिक वीडियोस बनाने वाले ऐप टिकटॉक ने परिस्थिति को समझते हुए सख्त निर्णय लिए हैं। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से इस ऐप को रिमूव कर देने के बाद टिकटॉक ने भारत में बनाई गई 60 लाख आपत्तिजनक वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान पिछले साल जुलाई से अब तक अपलोड की गई उन वीडियोस को हटाया गया है जो कंपनी की कम्युनिटी रूल्स का उल्लंघन कर रही थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन ऐप्स को अपमानजनक सामग्री देखने पर गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से हटा दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ऐप की निर्माता चाइनीज कंपनी बाइटी डांस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर अगली सुनवाई मंडे को यानी कि आज होगी। मार्केट इनलेस फॉर्म सेंसर टावर के रिपोर्टर के जरिए बताया गया है कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर यह ऐप साल 2018 की पहली तिमाही में दुनिया भर के तीसरे सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप बन गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐप के 50 करोड़ यूजर्स बेस में भारत यूजर्स की हिस्सेदारी 39% है, इसलिए इस ऐप को लेकर भारत में मुद्दा गरमाया हुआ है। चल तो गाइस, टिकटॉक ने अपने बयान में कहा है कि यूजर्स के लिए टिकटॉक ऐप को और सुरक्षित व सहज महसूस करवाने का ये एक हिस्सा है। कोशिश है कि आने वाले समय में टिकटॉक ऐप का उपयोग 13 साल की आयु से ऊपर के बच्चे ही कर सकेंगे। कंपनी की ओर से ये घोषणा टिकटॉक सुरक्षा केंद्र खोले जाने के बाद की गई है। साथ ही कंपनी ने धमकी की गतिविधियों से निपटने के लिए हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और 10 स्थानीय भाषाओं की मदद के पेज भी शुरू किया है। मतलब है कि टिकटॉक पर एक मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस ऐप को बैन करने के निर्देश केंद्र सरकार को दिया था। कोर्ट ने पाया था कि इस ऐप पर कई आपत्तिजनक वीडियो हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं है। तो गाइस, इसी वजह से भारत में टिकटॉक से 60 लाख से ज़्यादा वीडियो को रिमूव कर दिया है। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगा आपके साथ अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय।